वेलकम बैक टू माई चैनल इंडो कैनेडियन सागा में आपका स्वागत है. मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे, कुछ टॉपिक सजेस्ट करे थे सबने, बट मैंने फिलहाल ये टॉपिक चूज करा है, एजुकेशन सिस्टम स्कूल्स इन कैनेडा और कैसे ये डिफर करता है आपकी होम कंट्री से. मैं आपको डिटेल में बताऊंगी यहाँ क्या प्रोसेस है, कैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में डाल सकते हैं और कैसे आपको बेनिफिट होगा. इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं ये भी बताऊंगी कि कोविड की वजह से यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं और आप क्या कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर में यहाँ आ रहे हैं या विद इन दिस ईयर आने की सोच रहे हैं. तो चलिए फिर देखें. गाइस, कनाडा में दो तरीके के स्कूल्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. पब्लिक स्कूल्स जो है हम उसी के बारे में ज्यादा बात करेंगे, बट मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ. पब्लिक स्कूल्स आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर पीपल हियर. तो जितने भी लोग हैं वो अगर अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में भेजेंगे, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. प्राइवेट स्कूल्स ऑन द अदर हैंड, ऑफकोर्स वहां पे कुछ फीस लगती है, ट्यूशन फीस, एंड दैट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. सो कुछ महंगे होंगे, कुछ आपको थोड़े चीप पड़ेंगे, बट Trust me, over 95% of Canadians send their children to public schools. सबसे बड़ी बात ये है कि कनाडा के जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे, कनाडा स्पेंड्स मोर ऑन एजुकेशन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. और जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं दैट आर वेरी वेल एक्सेप्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. कैनेडियन हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमास जो है वो भी थ्रू आउट द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है. सो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एजुकेशन पे कितना पैसा स्पेंड होता है और यहाँ की एजुकेशन वर्ल्ड वाइड नोन है. जो यहाँ पे स्कूल्स हैं वो पोस्टल कोड के हिसाब से हैं. तो अगर आप किसी पोस्टल कोड में रह रहे हैं तो आप अपने बच्चे को उसी ही पोस्टल कोड के स्कूल में भेजेंगे जो कि मोस्टली पेरेंट्स प्रेफर करते हैं, अनलेस एंड अंटिल यू नो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं. और यहाँ पे बच्चे को ईजिली ले लिया जाता है प्रोवाइडेड कि आप विद इन दैट टर्म कर रहे हैं. सो मोस्टली स्कूल्स, मोस्टली सेशंस जो जितना मुझे ऑन्टेरियो में पता है वो सितंबर में शुरू होता है. तो अगर आपको अपने बच्चे को नए सेशन में भेजना है तो आपको उसको सितंबर से पहले एनरोल कराना होगा. कुछ जगहों पे ये भी फर्क पड़ता है कि आपका बच्चा कब बॉर्न है, क्योंकि वो एज देखते हैं, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर कोई नवंबर बॉर्न है तो उसकी पूरी एज देखी जाएगी, वो 4 साल का है या 5 साल का है, तो उसको कुछ उसको कौन से क्लास में डाला जाए, तो वो भी एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए. लीगली यहाँ पे 5 साल से आप अपने बच्चे को स्कूल आपको भेजना ही होता है. तो अगर आप 5 साल से छोटा है आपका बच्चा और आप स्टिल चाहते हैं कि आप उसको यू नो स्कूल में भेजें, तो जूनियर किंडरगार्टन भी एक ऑप्शन है, जैसे कि मेरा बेटा जा रहा है, तो वो ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप सीधा उसको 5 साल में स्कूल में डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें कि स्कूल्स यहाँ पे कैसे फंक्शन करते हैं और कब आपको अपने बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए, तो वो कुछ ऐसा है. फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 18 अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू अटेंड. तो एज 5 से 18 तक वो लीगली उनको जाना पड़ेगा. एंड द स्कूल स्टार्ट्स समवेयर फ्रॉम 9 or 8:30 AM एंड इट गोज अप टू 3 PM. कुछ स्कूल्स में आफ्टर केयर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है एंड द स्कूल इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडेज आर ऑफ. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं दे अटेंड 13 डिफरेंट ग्रेड्स हर ईयर के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन एंड इट गोज अप टू ग्रेड 1. देन ग्रेड 2 से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू ग्रेड 12. ये जो 13 ग्रेड्स है दे आर ऑफन कॉल्ड एज K-12 ईयर्स. जो यूजुअली सेपरेटेड है इस तरीके से, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल. जिसका मतलब ये है कि जो कैनेडियन चिल्ड्रन हैं उनको एटलीस्ट 3 डिफरेंट फिजिकल स्कूल्स जाना पड़ेगा बिफोर कंप्लीटिंग देयर मैंडेटरी ईयर ऑफ एजुकेशन. और जितने भी पब्लिक स्कूल्स यहाँ पे कनाडा में हैं, दे आर एक्चुअली प्रोविंशली एक्रेडिटेड एंड दे फॉलो अ स्टैंडर्ड करिकुलम. वहाँ पे आपको ज्यादातर गवर्नमेंट सर्टिफाइड टीचर्स मिलेंगी और ये स्कूल्स जो होंगे पब्लिकली फंडेड होंगे.
ना ऐसा नहीं है कि अगर पब्लिक स्कूल है तो उसकी पढ़ाई डिफर करेगी. ऑफ कोर्स प्राइवेट स्कूल्स में आपको थोड़ी फैसिलिटीज मिलेंगी, अगर आपको कुछ एक्टिविटीज करानी है अपने बच्चे को, और दोज आर लाइक प्रीमियम स्कूल्स क्योंकि आप उनके लिए पे कर रहे हो. बट दैट डजंट मीन कि पब्लिक स्कूल्स की वैल्यू नहीं है और उसकी पढ़ाई कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होती है. पब्लिक स्कूल्स आर इक्वली गुड. यू वॉन्ट इवन फील द नीड ऑफ सेंडिंग योर चाइल्ड टू प्राइवेट स्कूल्स. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि यहाँ पे जैसे कि पता ही है कि फ्रेंच सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है कनाडा की, तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंच इमर्जन भी एक वो तरीका है. जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे प्रोविंस में रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोशिश करते हैं टीचर्स और स्कूल कि वहाँ पे फ्रेंच पे फोकस करा जाए और फ्रेंच में पढ़ाया जाए, ताकि जो लोग फ्रेंच ऑप्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि जब उनको फ्रेंच पढ़ाई जाएगी तो उनके चांसेस ज़्यादा होंगे आगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ विल बी एबल टू लर्न. तो इसलिए जो बच्चे आगे जाके ऑप्ट करेंगे उसे, तो उनको फ्रेंच में ही पढ़ाया जाएगा. अगर कुछ प्रोविंसेस है जैसे कि क्वेबेक जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, वहाँ पे फोकस करा जाएगा कि इंग्लिश में भी पढ़ाया जाए, और जो पेरेंट्स इंग्लिश का वे लेना चाहते हैं वो इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं और बच्चे को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा. अगर हम रिलीजियस और नॉन रिलीजियस स्कूल्स की बात करें तो मोस्टली स्कूल्स जो यहाँ पे है वो नॉन रिलीजियस हैं, बट कुछ प्रोविंसेस में रिलीजियस स्कूल्स भी हैं जो पब्लिकली फंडेड होते हैं, जैसे कि इस्लामिक स्कूल्स हो गए या फिर क्रिश्चियन स्कूल्स हो गए. तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी रिलीजन से जुड़े रहें और वो अपने बच्चों को वहां भी भेजते हैं, विच इज एक्चुअली अ गुड ऑप्शन. गाइस, होम स्कूलिंग तो सबने सुना होगा, बट कनाडा में अगर होम स्कूलिंग की बात करें तो काफ़ी पेरेंट्स हैं जो होम स्कूलिंग ऑप्ट करते हैं और नहीं भेजते अपने बच्चों को पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. बट ये मोस्टली वो फैमिलीज़ हैं जो रिलीजियस हैं या रूरल फैमिलीज़ हैं और प्रेफर करती हैं कि बच्चे को होम स्कूल करें. ये परफेक्टली लीगल है यहाँ पे. एक कंडीशन है कि बच्चे को गवर्नमेंट मैंडेटेड एग्जाम्स पास करने ही पड़ेंगे ताकि उसकी एजुकेशन ऑफिशियली रिकग्नाइज हो. जैसे कि मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कोविड की वजह से यहाँ पे क्या डिफरेंस आया है एजुकेशन सिस्टम में, वो कुछ ऐसा है गाइस. यहाँ पे वर्चुअल लर्निंग अडॉप्ट कर ली गई है और ये पिछले साल से ही चल रहा है यहाँ पे. सितंबर 21 के जो इनटेक्स है, जो नया सेशन स्टार्ट होगा, उसमें भी ओंटेरियो गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि पेरेंट्स अगर वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो वर्चुअल लर्निंग के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं. वर्चुअल बोर्ड्स भी बनाए हैं यहाँ पे, तो एक हो गया आप फिजिकली बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं इन पर्सन लर्निंग, और एक बच्चा हो गया जो आपका वर्चुअल बोर्ड से पढ़ रहा है. ऑफ कोर्स वर्चुअल बोर्ड वाला जो है उसको पूरा सेशन वर्चुअली ही करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है अगर कोविड सही हो गया स्कूल्स जाने का ऑप्शन नहीं होगा, आपको पूरा सेशन वर्चुअली लेना होगा पूरा एक साल. उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन में आप डालेंगे बच्चे को तो आप इन पर्सन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. वेर एज अगर इन पर्सन लर्निंग हो रही है और कोविड की सिचुएशन सही हो जाती है, बच्चा स्कूल जाएगा. अगर कोविड नहीं सुधरता है, ऑटोमेटिकली क्लासेस वर्चुअली देंगे. तो गाइज, ये थी मेरी वीडियो स्कूल पे. होप ये क्लियर हुआ होगा. मैंने पूरे डिटेल में कोशिश करी आप लोगों को सारा बताऊं कि कैसे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आप किस तरीके के और टॉपिक्स चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें.